हम लोग एकत्रित हुए हैं वही है, ये तो दुखदाई है ही, लेकिन फिर भी दुखदाई रहते हुए मैं सहज खुश हूँ। ये हमारी संसार की रीति रिवाज है, जो इसे पूर्व हम कल बता चुके थे कि विदाई कई तरह की होती है। अभी राम वर्धन सर बोले कि गुरु और शिष्य में अटूट संबंध है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक श्लोक सुने होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु भू मने अंधकार रू मने अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाते, वह गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से परे होते ऊपर होते हैं। लेकिन इससे पूर्व बताए थे कि हम लोग के बहुत तरह से विदाई हो, इससे पूर्व हुआ ही होगा, प्राइमरी विद्यालय मध्य विद्यालय हाई स्कूल कुछ पूर्व बनते जा रहे हैं, तो उनसे गुरु जी लोग माने विदाई होते जा रहे हैं, अभी के नए के साथ हम लोग संलग्न हो रहे हैं। नहीं तो जैसे अब हम लोग यहाँ से रुकेंगे, लेकिन फिर भी गुरु जी आशा रखे हैं कि आपकी मन में भावना होगा मत को आगे गुरु जी मिल जाएंगे, अब पीछे गुरु जी नहीं, लेकिन पीछे गुरु जी हम लोग भरोसा रखते हैं कि आप लोग को जो चाहोगी और हर दम तक जब आपकी इच्छा होगी तो हम लोग उसको देने के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि गुरु जी से हम लोग अब अलग हम लोग पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, जब ऐसा कोई भावना होगी किसी विषय में जिससे आवश्यकता होगी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उसे उन्हें बताया जाएगा, जैसे पूर्व बताया जाता वही भावना में बताया जाए। ये नहीं कि अभी इनसे कोई हमको फायदा नहीं है, फायदा इसलिए कि देश के धरोहर संपत्ति आप लोग ही हैं, अब हम लोग को भी कुछ नहीं है, देश का धरोहर संपत्ति आप लोग हैं। न जाने इसमें कोई मंत्री बनेंगे, कोई एसपी बनेंगे, कोई डीएम बने, कोई क्या क्या बनेंगे, लेकिन बोलिए हम लोग तो कुछ आपका सब लोग हैं जिनका चांस है, लेकिन प्योर में तो हम और राम वर्धन सर हैं कि अब कितनों दूध डाला जाएगा तो हम लोग तंसी नहीं फूटना है, हम लोग सीमित गए। और आप लोग ऐसे हैं कि देश के धरोहर संपत्ति हैं, कुछ हमारे सर लोग हैं कभी बन सकते हैं। तो विदाई का मतलब है कि हम लोग सुबह विदाई नहीं है, लेकिन क्लास जो जारी रहता तो वैसे विदाई हो चुका आज हो रहा है, और परीक्षा में हमको जाना है एकदम शहनशाह की तरह, घबराना नहीं घबराहट नहीं होना चाहिए। कल भी हम बताए हैं परीक्षा में क्वेश्चन मिलता है, रोज रोज हम कांपने लगते हैं, आराम से 15 मिनट उसको क्वेश्चन पढ़े, 15 मिनट पढ़ने का समय आता है, और 15 मिनट पढ़ने के बाद उसमें देख लिए जो जो क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल सर्टिफाइड है, इसमें कोई पहले उसी को आप सॉल्व कर लीजिए, नंबर डाल दीजिएगा, ये नहीं है किसी गली क्वेश्चन कौन सा देना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट पेज पर लाएंगे, जो 100% क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं उसी को फर्स्ट पेपर पर लाएंगे, पहला पन्ना पर कठिन नहीं। हाँ ये है कि 11 है, 12 है, 20 है, 23 है, कितने नंबर का कौन सी नंबर का क्वेश्चन है वो ओके होना चाहिए, तो आप किसी को उत्तर कैसी भी दे सकते हैं। फर्स्ट पेज होता है एकदम सुंदर लिखा हुआ साफ सुथरा, लास्ट क्योंकि कॉपी उतना मेहनत नहीं देगा, पहला अगर दक्षता कॉपी में है बहुत ढंग का है, और पहला ही 6-7 काटने की भी बताया है, अगर कोई गलत सब लिखा जाता है तो सीधा एक पेन चला देना है अगला सब लिखना है, ये नहीं उसी पर धर के भूखे उसी पर दोहरा बैठी वही बोल जाए दूसरा का शब्द, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। अच्छे अंक लाने के लिए कॉपी फ्रेश होना चाहिए, साफ सुथरा लिखाई होना चाहिए, जो 100% जो क्वेश्चन हम सॉल्व ढंग से करेंगे उसी को पहले पेज बनाएंगे। हाँ नंबर डाल देना है कितने नंबर का है नहीं, और ऐसा बात नहीं है दुखी तो है, लेकिन दुखी तो रहकर भी हम पसंद है, कभी तो हम लोग को सवारी कुछ बाकी ही है, इतना क्यों दुखी हो जाए, नहीं अभी तो सवारी कुछ बाकी है, कितने मिलेंगे कितने जुलेंगे, थोड़ा सा तो दुख होता है, फिर भी चार हंस के रहते हैं कि दुख क्या करना है, ये संसार के रीति रिवाज है, और एक दिन तो वो विदाई आएगा कि संसारे छोड़कर हम लोग जाएंगे,
ये तो विदाई है कि यहाँ तो कभी सर जी को दर्शन देंगे, सर जी हमको दर्शन देंगे, इसे बहुत ज्यादा दुखित नहीं होना है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।